क्या आपको जानना है कि तांगसेन का 8 एग्जाम क्या है, या फिर आप लोग ये जानना चाहते हो कि लास्ट के एपिसोड में जब क्यान नेंगश्वे दोबारा से तांगसेन के सामने अपीयर हुई थी तो तब के वक्त क्यान नेंगश्वे ने तांगसेन को चांस क्यों दिया था, या फिर आप लोग ये जानना चाहते हो तांगसेन के पास टोटल कितनी सोल लिंक्स होंगी। तो आप सबके इन क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पर मैं डेली के एक क्वेश्चन का आंसर किया करूंगा और उसे मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया करूंगा। और आज के दिन मैंने आप सबको तांगसेन के 8 एग्जाम से रिलेटेड सब बातें उस वीडियो में बता दी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप लोग लाजमी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिन पर मैं लाजमी वीडियो बना दिया करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 251 के ट्रेलर पर। प्राइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारे ट्रेलर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यान नेंगश्वे को, जिसकी लुक्स तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं। मगर क्यान नेंगश्वे और इसकी गॉड सीड दोनों ही लसन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसकी साइड नहीं ले सकते। तो तांगसेन ने क्यान नेंगश्वे पर अपने गॉड के वेपन से अटैक किया होता है, जिसका टोटल वेट 108000 जींस है, जो कि टोटल 54,000 किलोग्राम का वेट बनता है। मगर क्यान नेंगश्वे उसे सिर्फ अपने फिंगर से रोक लेती है, जो कि काफी बड़ी फीट है और आल्सो ये गॉड्स की पावर को डिफाइन भी करती है। और ये सीन देखकर इस बात की समझ तो आती है गॉड्स कितने ज्यादा स्केरी भी हो सकते हैं। हालांकि ये वही वेपन है जिसको यूज करते हुए तांगसेन ने अभी तक पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट किया है। तांगसेन ने इसी वेपन का यूज करते हुए इंजल हाल के वर्शिपर्स के साथ भी फाइट की हुई है, बिबिदोंग को हराया हुआ है और उसी के साथ ही साथ इस वेपन को उठाना इवन के बोसाक्षी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल काम हो गया था। मगर क्यान नेंगश्वे सिर्फ अपने फिंगर के साथ इस वेपन को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और उसी के साथ ही साथ नेक्स्ट यो में क्यान नेंगश्वे इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ लेती है और क्यान नेंगश्वे ने इस वेपन को बहुत ही आसानी से उठाया होता है। उसे इस वेपन को होल्ड करने में कोई भी मुश्किल नहीं हो रही होती। मगर ये तांगसेन के लिए काफी ज्यादा बैड न्यूज है, क्योंकि तांगसेन के सी गॉड के ट्राइडेंट में ही उसका हार्ट मौजूद है, जिसे कि आप लोग सी गॉड बनने की टिकट भी कह सकते हो। तो अगर तांगसेन के पास वो टिकट ही नहीं होगी तो तांगसेन के लिए सी गॉड बनने का प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर जब के लिए क्यान नेंगश्वे गॉड लेवल पर पहुँच चुकी है और तांगसेन अभी तक स्टिल 97 लेवल के करीब है, तो तांगसेन के लिए क्यान नेंगश्वे के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ही तांगसेन यहाँ से फाइट को अवॉइड कर रहा होता है। और वहीं पर हम लोग नेक्स्ट यू में देखें तो क्यान नेंगश्वे की स्पीड इस लेवल पर चार्ज की होती है, जिसके साथ ही नेक्स्ट यू में हम देखते हैं तांगसेन अपनी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जिसके बारे में मैं आप सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें सरप्राइज ही रहे तो ही अच्छा होता है। मगर यहाँ पर तांगसेन क्यान नेंगश्वे के साथ फाइट करते हुए हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो क्यान नेंगश्वे से फाइट को अवॉइड कर यहाँ से जा सके, क्योंकि सारे शेक डेवल्स तांगसेन के बताए हुए पॉइंट पर उसका वेट कर रहे होते हैं। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर अगर तांगसेन फाइट करता भी है तो वो क्यान नेंगश्वे का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। और थर्ड नंबर पर क्यान नेंगश्वे तांगसेन को अपना सर्वेंट बनाना चाहता है, ना तो वो तांगसेन के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही होती है और ना ही तांगसेन को अपना टीममेट बना रही होती है। क्यान नेंगश्वे यहाँ पर तांगसेन को सीधा ये कह देती है, या तो मेरे सर्वेंट बन जाओ या फिर तुम्हें मरना होगा। और इस बात का हम सबको अच्छे से पता है कि तांगसेन इसे कभी भी सर्व नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से ही तांगसेन इस फाइट को अवॉइड कर रहा होता है। जिसके साथ ही क्यान नेंगश्वे तांगसेन से कहती है, तो फिर मुझे भी आज ये देखने दो कि तुम किस तरह से टाइम को डिले कर पाते हो और अपनी मौत के टाइम को किस तरह से ज्यादा कर सकते हो। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं तांगसेन क्यान नेंगश्वे के सामने आ जाता है और उसी के साथ ही अपने माइंड में कहता है, मैं इस फाइट को ज्यादा तो नहीं चला सकता। मगर उसी के साथ ही तांगसेन के माइंड में एक आइडिया आ जाता है, जिसके साथ ही तांगसेन क्यान नेंगश्वे से यहाँ पर एक डील करेगा, जिसमें तांगसेन क्यान नेंगश्वे से थोड़ा टाइम बाय कर लेगा, जिस डील पर क्यान नेंगश्वे मान भी जाएगी। और उसी डील के बाद तांगसेन को यहाँ से निकलने का चांस मिलेगा। मगर तांगसेन के यहाँ से लेकर सी गॉड आइलैंड जाने तक क्यान नेंगश्वे उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और क्यान नेंगश्वे के ये सर्व करने की वजह क्या है, वो सब मैंने आपको शॉर्ट्स की वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मौजूद है। तो आप लोग उस वीडियो पर क्लिक कर वहाँ पर जाकर उसकी रीजन देख सकते हो। तो आप लोग उस वीडियो पर क्लिक कर उस चैनल पर जाकर इस रीजन को जान सकते हो। और उसी के साथ ही साथ शॉर्ट्स के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आप सबके क्वेश्चंस के डेली आंसर किया करूंगा। और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 50K पर जाने के बाद ही मैं नेक्स्ट नॉवल को दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जल्दी से हमारे इस चैनल पर भी 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं।